डॉक्टर गुलशन यूटीआई होता क्या है यूटीआई की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये इन्फेक्शन बोथ मेल और फीमेल्स में हो सकते हैं और ये काफी लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होते हैं यू के कारण क्या है यूटीआई के जो मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं स्पेशली इन फीमेल्स यू टी आई इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जब भी वो हीट पीरियड में होते हैं अगर उनकी प्रॉपर सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखा गया तो हो सकता है कि इन्फेक्शन उनकी बॉडी में एंटर कर जाए अगर हम मेल्स की बात करें तो कई बार एक्सटर्नल इंजरीज की वजह से उनके प्राइवेट पार्ट्स में जब एक्सटर्नल इंजरीज हो जाती हैं, तो यू के चांसेस होते हैं कई बार डॉग्स में हमें सुनने को आता है कि स्टोन्स की भी दिक्कत है तो स्टोन भी कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन कॉज करते हैं तो किसी जानवर को यूटीआई है ये हमें कैसे पता चलेगा यूटीआई के कुछ मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिसमें सबसे पहला है कि डिफिकल्टी इन यूरिनेशन पेशाब करने में दिक्कत होगी फिर कई बार ऐसा होता है कि यूरिन के साथ ब्लड और पस भी बाहर आती है और कई बार जो उनके प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पे स्वेलिंग आपको मिलेगी डॉक्टर गुलशन यूटीआई की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है देखिए यूटीआई एक इन्फेक्शन है इन्फेक्शन को रोकने के लिए आप रेगुलर एंटीबायोटिक शेड्यूल है जो आपके वेट ने आपको बताया होगा वो आप प्रॉपरली फॉलो करिए और हाँ मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कोई भी मेडिकेशन आप जब देते हैं तो आप अपने वेट से ज़रूर कंसल्ट करें हम अपने पेट्स को यूटीआई से कैसे बचा सकते हैं यूटीआई से बचाने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैनेजमेंट मैनेजमेंट में आप अपने पेट्स की सैनिटेशन कैसे रखते हैं ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है और दूसरी बात कुछ ऐसी एसटीडी डिजीज होती है सेक्सुअली डिजीज जो कि एक डॉग से दूसरे डॉग में फैलती हैं। तो उससे बचने के लिए आपको अपने डॉग को आइसोलेट करके रखना पड़ेगा थैंक यू डॉक्टर गुलशन अगर आपके पास अपने पेट से रिलेटेड और सवाल है तो कॉमेंट्स में पूछना ना भूलिए थैंक यू